हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि पिछले दफ़ा एएलपी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। लेकिन इससे पहले, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको मैथ्स और रीजनिंग का सारा वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि ईयर जो होता है फ्रेंड्स, वो हम लोग का ईयर को कैसे पहचानते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ईयर जो होता है, ईयर के कैसे पहचानते हैं कि लीप ईयर है या नहीं, या आपको पता होना चाहिए कि ईयर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सेंचुरी ईयर, दूसरा होता है जनरल ईयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो ईयर है, ये जो ईयर है, ईयर आपका दो तरह का होता है। एक होता है हम लोग का C4 सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर होता है। और दूसरा कैसा होता है फ्रेंड, तो दूसरा होता है हम लोग का ये जनरल ईयर, जनरल ईयर। ये हम लोग का ये दो तरह का ईयर है, सेंचुरी ईयर और जनरल ईयर। जनरल ईयर किसको बोलेंगे फ्रेंड, जैसे अभी 2024 चल रहा है, या 25, 26, 27, 28, इससे सब क्या है, जनरल ईयर है। जैसे यहाँ पे हम लोग का ये 2024, ये 2024 चल रहा है, या फिर 2025 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, या फिर 2000 हम लोग का 26 हो जाएगा। ये सब क्या फ्रेंड्स, ये सब जनरल ईयर है। सेंचुरी ईयर किसको बोला जाता है फ्रेंड, सेंचुरी ईयर उस ईयर को बोला जाता है जो 100 के मल्टीपल में चलता है, जैसे 2000, 2100, 2200, 2300, इस तरह से उसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो गया आपके पास, यानी कि हम लोग का 2000 हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग ये 2100 हो गया, ये सब क्या फ्रेंड्स, ये सब सेंचुरी ईयर। यहाँ पे 2200, ये सब 2200 सेंचुरी ईयर है। तो अब हम लोग पहचानेंगे क्या फ्रेंड्स, ये तो ईयर हो गया, बट यहाँ पे कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो इसका पहचान के लिए हम लोग ईयर में क्या पहचानेंगे, हम लोग पहचानेंगे लीप ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो ये बोलते हैं अधिवर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिवर्ष बोला जाता है। तो कौन सा वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इसकी पहचान हम लोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हम लोग जनरल ईयर के लिए हम लोग बचपन से पढ़े कि कोई भी ईयर अगर है जनरली वो जनरल ईयर ही होता है, तो उसका लीप पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं। कितना डिवाइड देते हैं फ्रेंड, 4 से डिवाइड देते हैं। क्या पहचानने के लिए, तो लीप ईयर पहचानने के लिए उसको 4 से डिवाइड देते हैं। यदि अगर 4 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, यदि अगर पूरी तरह से कट जाता है, तब वो लीप ईयर कहलाता है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 4 से भी डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट का दो डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, यदि अगर पूरी तरह से कट जाएगा तब वो लीप ईयर होगा। आप इसको 4 से अगर डिवाइड दीजिएगा, पूरी तरह कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 0। मतलब यहाँ पे आपका ये लीप ईयर है। आज जब लीप ईयर हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, तो ये 366 डेज होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसको अगर हम 4 से अगर डिवाइड देंगे, तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं लेगा, यानी कि यहाँ पे 4 से डिवाइड लेगा ही नहीं यहाँ पे हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का ये कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर। ये ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो यहाँ पे 365 डेज होगा। इसको अगर आप 4 से डिवाइड दीजिएगा फ्रेंड, तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर, और इसमें भी 365 डेज होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जनरल ईयर में क्या करते हैं ना, कि हम लोग लीप पहचानने के लिए 4 से डिवाइड देते हैं, यदि पूरी तरह से कटेगा तो लीप होगा, और नहीं कटेगा तो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। लेकिन ये कंडीशन हम लोग का सेंचुरी ईयर के साथ लागू नहीं होता है। सेंचुरी ईयर किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, वैसा ईयर जिसका राइट साइड से हमेशा 2 0 लगा रहना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं दूसरे शब्द में जो 100 के मल्टीपल में रहेगा वो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। तो हम बोलेंगे सेंचुरी ईयर का लीप कैसे पहचानते हैं फ्रेंड, तो सेंचुरी ईयर का लीप पहचानने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। कितना डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 400 से। यदि 400 से पूरी तरह कटेगा तब हुआ हम लोग का लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा, और नहीं कटेगा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यदि अगर इसको अगर हम लोग 400 से अगर डिवाइड देंगे, 400 से अगर डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना देगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 0 आ जाएगा। मतलब ये कहलाएगा हम लोग का ये लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा, जिसमें हम लोग का 365 डेज होगा। इसमें 366 डेज होगा, लीप होगा मतलब 366 डेज होगा।
तो फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अगर हम लोग 400 से अगर डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये हम लोग का ऑर्डिनरी सेंचुरियर कहलाएगा, इसमें 365 डेज होगा। इसको यदि अगर हम लोग 400 से डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, और ये भी ऑर्डिनरी सेंचुरियर होगा जिसमें 365 डेज ही होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको क्या बताया कि यदि अगर कोई ईयर अगर जनरल ईयर है उसको लीप पहचानना हो तो 4 से डिवाइड देंगे, और 4 अगर 4 से पूरी तरह से कट रहा तब वह लीप ईयर कहलाएगा, उसमें 366 डेज होगा, नहीं तो वो 365 दिन होगा ऑर्डिनरी ईयर। अगर सेंचुरी ईयर होता है तो उसको हम लोग 400 से डिवाइड देंगे, पूरी तरह से कटेगा तो वो लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा जिसमें 366 डेज होगा, और नहीं कटेगा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होगा जिसमें 365 डेज होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये ईयर का पहचान हो गया। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पिछले दफ़ा हम लोग का ALP में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए हम लोग बने रहिए, देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में लिखा गया लगातार 400 वर्षों में कितना 29 फरवरी पड़ेगा। क्या लिखा गया फ्रेंड्स, लगातार 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितना है ना, लिखा गया कितना 29 फरवरी पड़ेगा फ्रेंड्स, 29 फरवरी कितनी बार 29 फरवरी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार क्या है कि 29 फरवरी आएगा। तो चलिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस भी दिया गया है, जैसे कि आपके पास ये ऑप्शंस है, ऑप्शन आपका ए में लिखा गया है 444497 है, आपके पास सेकंड नंबर ऑप्शन लिखा गया फ्रेंड्स ये ओनली 97 है, सी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 100 है, और डी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया गया है 96 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या आखिर क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बताइए हमको कि अगर हम बात करें कि एक से सौ तक कितना 29 फरवरी पड़ेगा फ्रेंड्स, एक से सौ तक कितना 29 फरवरी पड़ेगा। तो एक से सौ तक में अगर हम 29 फरवरी को अगर ढूंढेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा 4 में 29 फरवरी मिलेगा, 8 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, इस तरह चलते रहेगा, मतलब 4 का टेबल जहां जहां आएगा वहां पे मिलेगा। लेकिन यहां पे कहां तक जाएगा फ्रेंड्स, ये 96 तक ही हम लोग देखेंगे जो कि 4 का टेबल में है, आपको 100 तक में नहीं जाना है, इसलिए 100 में नहीं जाना है क्योंकि 100 जो है वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर अगर होता है तो उसका लीप पहचानने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 96 को अगर हम 4 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 24, मतलब हम लोग को 24 बार मिलेगा, यानी कि हम लोग को 24 बार हम लोग को जो है 29 फरवरी मिलेगा, एक से लेकर के 100 तक में जो है 24 बार मिलेगा, चूंकि 100 नहीं है। अब इसी तरह से हम फिर बोलेंगे 101 से अगर हम लोग 200 तक अगर देखेंगे फ्रेंड, 200 तक अगर देखेंगे तो फिर हम लोग को 24 बार ही मिलेगा, चूंकि यहाँ पे 196 तक में हम लोग को 29 फरवरी मिलेगा, यानी 104, 108 इस तरह से 196 तक में 29 फरवरी टोटल हम लोग कितनी बार मिलेगा, तो 24 बार मिलेगा। अब इसी तरह से फिर अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 201 से अगर हम बात करेंगे, यानी कि 300 तक में अगर हम बात करेंगे तो फिर हम लोग को यहाँ पे कितनी बार मिलेगा, तो ये 24 बार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 301 से लेकर के अगर 400 तक में अगर हम बात करेंगे, 400 तक में अगर हम बात करेंगे तो हमको कितनी बार मिलेगा फ्रेंड, तो 400 तक में अगर हम जाएंगे तो हम लोग को ये 25 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा फ्रेंड, तो ये 25 बार मिलेगा। कैसे मिलेगा तो बात को समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 304, इसी तरह से 300, 308 मिलेगा, .. यहाँ पे 300, 396 होगा। अब प्लस जब 400 अगर आएगा फ्रेंड तो ये 400 हम लोग का सेंचुरी ईयर है,
लेकिन ये ऐसा सेंचुरियर है जो 400 से डिविजुअल है पूरी तरह से। देखिए ये आपका 400 से नहीं कट रहा था, ये आपका 400 से नहीं कट रहा, ये आपका 400 से नहीं कट रहा, लेकिन अगर इसको अगर आप 400 से डिवाइड दीजिए तो पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि ये हम लोग का लीप सेंचुरियर है, इसमें 29 फरवरी होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का कितनी बार होगा तो 25 बार होगा। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो यही हम लोग का टोटल लगातार 400 वर्षों में हम लोग का 97 बार हम लोग को 29 फरवरी शो करेगा और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए लिखा गया लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 29 तारीख 29 में लिखा गया फ्रेंड्स, लगातार 400 वर्षों में हमको क्या ढूंढना है फ्रेंड, तो लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख ढूंढना है, 29 तारीख कितनी बार आएगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि देखिए 29 तारीख तो लगभग सभी महीने में आता है, हमको मालूम है कि एक साल में 12 महीना होता है, फरवरी एक ऐसा महीना है जो कभी 29 तारीख आता है कभी नहीं आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर वो वर्ष में ज़्यादातर हम लोग फरवरी के महीने में नहीं आता है, लेकिन जब वह लीप ईयर होता है तो उसमें आता है। तो हम बोल सकते हैं यदि अगर हम फरवरी के महीने को अगर हम बाहर कर देते हैं, मतलब टोटल अगर 12 महीना है उसमें से अगर फरवरी के महीने को अगर हम निकाल देंगे तो मेरे पास 11 महीना बचेगा। यानी टोटल हम लोग का टोटल मंथ्स कितना फ्रेंड, तो टोटल 12 महीना है, एक अगर हम लोग महीने निकालते हैं फरवरी को अगर बाहर कर देंगे तो 11 महीना बचेगा। कितना महीना बचेगा फ्रेंड्स, ये 11 महीना बचेगा, 11 महीना बचेगा हम लोग का रेस्ट। और 11 महीना अगर आया है तो हर 11 महीना में 29 तारीख तो आएगा ही आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस तरह से अगर हम एक साल का अगर कैलकुलेशन करें तो एक साल में 12 महीना होता है, मतलब हम बोलेंगे एक साल में जो है वन ईयर में हमको 11 बार हम लोग को 29 तारीख मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 29 फरवरी नहीं बोल रहे हैं, 29 तारीख बोल रहे हैं, 29 तारीख, क्योंकि 29 तारीख हर महीने में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि एक साल में 11 महीने हैं, एक साल में हम लोग को फरवरी के महीने को अगर बाहर कर दिए तो हम लोग का कितना महीना बचा, 11 महीने, एक साल में 11 बार हमको 29 तारीख मिलेगा। तो जब एक साल में अगर 11 बार मिलेगा फ्रेंड तो आप बताइए कि यहाँ पे 400 साल में कितनी बार हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 400 साल में कितनी बार होगा, 400 वर्षों में कितनी बार होगा। तो 400 वर्षों में कितनी बार हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हम लोग का 11 गुना अगर करेंगे, इसको भी यदि अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 44 यानी कि 4400 बार हम लोग का 29 तारीख आएगा। कितनी बार आएगा फ्रेंड, 4400 बार 29 तारीख आएगा। अब बात को समझना है कि 4400 बार 29 तारीख आया है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन को देखे थे कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ता है, तो हम लोग 97 बार आता है। तो यहाँ पे 97 हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये ऐड कर देंगे, चूंकि यहाँ पे ये मालूम है कि यहाँ पे लगातार 400 वर्षों में जो है लगातार 400 वर्षों में हम लोग का है ना 90 से लगातार 400 वर्षों में हम लोग का 29 फरवरी कितनी बार आता है फ्रेंड, तो 97 बार आता है। इसको ऐड कर देंगे मतलब फाइनली वैल्यू हो जाएगा 4497 और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए लिखा गया कि एक सप्ताह और वाई दिन में कुल कितना दिन होगा ये हमको बताना है, टोटल कितना दिन आएगा।
तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए सप्ताह मतलब क्या समझते हैं। सप्ताह अगर कहीं लिखा गया, सप्ताह का मतलब होता है सात दिन। कितना दिन होता है फ्रेंड? तो ये सात दिन होता है। अगर हम बोलते दो सप्ताह, तो दो सप्ताह मतलब कितना दिन हो जाएगा? 14 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्ताह का मतलब होता है सेवन, सप्ताह का मतलब कितना होता है फ्रेंड? तो ये सात दिन होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको एक सप्ताह लिखा गया, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे सप्ताह जो लिखा गया, ये सप्ताह जो लिखा गया, इसके जगह पे कितना लिखेंगे फ्रेंड? ये सात लिखेंगे। और है तो और के लिए क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। वाई है तो यहाँ पे हम लोग ये वाई लिखेंगे। और यहाँ पे वाई दिन है, मतलब वाई दिन, मतलब वाई दिन हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी इसको हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड, सेवन को अगर एक्स से गुना करेंगे, यहाँ पे हम लोग का सेवन एक्स हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 35। देखिए 35 में लिखा गया एक सप्ताह एक दिन में कुल कितना दिन होगा? एक सप्ताह, एक सप्ताह, एक सप्ताह और एक दिन में, एक सप्ताह एक दिन में कुल कितना दिन होगा? कुल कितना दिन होगा, कितना दिन होगा? एक सप्ताह एक दिन में कुल कितना दिन होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सप्ताह मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो ये सात होता है, यानी ये आपका एक सौ रहेगा ही, और सप्ताह मतलब सात, इसको गुना करेंगे और मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। एक्स दिन है, यहाँ पे कितना दिन है? एक्स दिन है। तो एक्स दिन यहाँ पे हम लोग एक्स एड कर देंगे, मतलब हो जाएगा सेवन एक्स हो जाएगा, सेवन एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब हम लोग का हो जाएगा ये एट एक्स, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 33। देखिए लिखा गया कि वर्ष 2010 के जून महीने में कितनी बार रविवार आएगा? वर्ष 2010, वर्ष 2010 के जून महीने में फ्रेंड्स, किस महीने में? तो यहाँ पे जून महीने में कितनी बार संडे आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि वर्ष 2010 के जून महीने में हमसे क्या पूछा जा रहा था? संडे पूछा जा रहा, संडे, ये हमसे संडे पूछा जा रहा, संडे कितनी बार आएगा। तो संडे सबसे पहले आपको निकालने की जरूरत है कि एक एक जून 2010 को कौन सा दिन है। हम एक जून 2010 से हम चेक करेंगे, पहला संडे अगर हमको मिल जाता है तो उसमें हम सेवन डेज करके एड करते चले जाएंगे, तो हमको सारा संडेज का पता चल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक जून 2010 को कौन सा दिन था, ये दिन आपको निकालना है। एक जून 2010 को कौन सा दिन था? तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो है हम लोग जो है कैलेंडर में पढ़े हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा कैलेंडर का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट से, फाउंडेशन क्वेश्चन से आपको सारा दिया गया है, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, इसका कोड के साथ बताया गया है, पूरा चैप्टर आपको एकदम शुरू से आखिरी तक बताया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आपको डायरेक्ट वे में बताते हैं। इसमें कुछ कोड याद रखने की जरूरत पड़ता है फ्रेंड। देखिए सबसे पहले हम लोग ये वन है तो वन लिखेंगे, और जून का कोड होता है फ्रेंड, जून का कोड आप जाकर के पीछे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जून का कोड 5 होता है। आप प्लस यहाँ पे हम लोग सेंचुरी ईयर, ये हम लोग 2000 क्या फ्रेंड, ये सेंचुरी ईयर है जिसका कोड 6 होता है, और यहाँ पे 10 का 10 हम लोग लिखेंगे। और हमको ये देखने की जरूरत होता है कि यहाँ पे 10 ईयर में लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो लीप ईयर जानने के लिए इसको हम लोग डिवाइड देंगे 4 से, जो क्वोशेंट आएगा वही लीप ईयर की संख्या को बताएगा। तो यहाँ पे क्वोशेंट कितना आ गया फ्रेंड? तो क्वोशेंट हम लोग आ गया 2, मतलब यहाँ पे 2 क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे फ्रेंड तो फाइनली कितना हो गया? 10 2 12 6 18 18 5 23 और 24, यानी ये हो गया हम लोग 24। कितना हो गया फ्रेंड? तो ये हम लोग 24 हो गया। अब इसको फाइनली चूंकि हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, चूंकि वीक में 7 डेज होता है,
तो 7 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो हमको रिमाइंडर देखने की जरूरत है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 7 ये 21, 21 और 3, 21 और 3, यानी कि ये हम लोग का क्या बचा फ्रेंड, तो ये हम लोग का रिमाइंडर बचा 3। ये हम लोग का 3 क्या हो गया, तो रिमाइंडर हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि 3 पे कौन सा दिन बताता है, 3 पे हमको बताता है मंगलवार। 3 पे कौन दिन बताता है फ्रेंड, तो ये मंगलवार बताता है। ये हम लोग का ये ट्यूजडे हो जाएगा, ट्यूजडे। तो हमको ये पता चल गया कि 1 जून 2010 को दिन मंगलवार था, लेकिन हमको निकालना क्या है कि जून महीने में कितनी बार संडे आएगा। तो चलिए 1 जनवरी को तो हम लोग को संडे मिला नहीं। अब यहाँ से हम चूंकि आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 2 तारीख हो जाएगा, 3 तारीख हो जाएगा, 4 तारीख हो जाएगा, 5 तारीख हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का ट्यूजडे है, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी पहला संडे कहाँ पड़ा फ्रेंड, तो जून महीने का पहला सैटरडे, जो फर्स्ट संडे जो पड़ा है, फर्स्ट संडे जो आया फ्रेंड्स, फर्स्ट संडे जो आया है वो 6 तारीख को आया। और हमको ये भी मालूम है किसी भी डेट में अगर 7 दिन करके अगर हम ऐड करते जाएंगे तो वो फिर वही दिन रिपीटेशन करता शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 6 में अगर हम ऐड कर देंगे, अगर 7 डेज ऐड करेंगे 13 तारीख को भी संडे बताएगा, फिर इसमें अगर हम 7 डेज अगर ऐड करेंगे तो 20 तारीख को भी हम लोग संडे बताएगा, फिर यदि अगर इसमें हम लोग 7 डेज ऐड कर देंगे तो 27 तारीख को भी क्या बताएगा फ्रेंड, तो ये संडे ही बताएगा। तो कहने मतलब है कि इसके बाद आगे होने वाला नहीं है। तो हमको वर्ष 2010 के जून महीने में संडे कितनी बार दिखा फ्रेंड, तो 1, 2, 3, 4, इसलिए हम लोग बोलेंगे फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 4 बार, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में लिखा गया, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो तीसरे सोमवार को 17 तारीख का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि 17 तारीख को जो है, 17 तारीख को हम लोग का ये मंडे दिया गया है, ये हम लोग का ये मंडे दिया गया है, और हमको फाइंड क्या करना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। अब बताइए कि ऑप्शंस हम लोग को दिया गया फ्रेंड, देखिए ऑप्शंस आपको दिया गया, ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास लिखा गया ट्यूसडे, फर्स्ट ऑप्शन ट्यूसडे है। सेकंड ऑप्शन आपके पास थर्सडे दिया गया, थर्सडे है। थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया गया फ्राइडे है, फ्राइडे है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास दिया गया है ये सैटरडे है, सैटरडे। ऐसा कुछ हम लोगों को दिया गया है, हमको ऑप्शन चूज करना फ्रेंड। देखिए 17 तारीख को मंडे, और हमको फाइंड क्या करना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है कि कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा दिन है जो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि इस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, ये 1 तारीख को कौन सा दिन आता है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो बोलेंगे हम लोग का 16 का डिफरेंस दिख रहा, और इसको हम लोग डिवाइड देंगे 7 से। कितना डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड देंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ हमको 2 माइनस करने की जरूरत है, यहाँ पे 2 माइनस करने की जरूरत है। तो मंडे पहले हो जाएगा संडे, संडे पहले हो जाएगा सैटरडे। मतलब क्या हो फ्रेंड्स हम लोग का, कि 1 तारीख को सैटरडे पड़ा, 1 तारीख को क्या पड़ा, सैटरडे। अब देखिए 1 तारीख को अगर सैटरडे अगर पड़ा है तो सैटरडे का चांस सबसे ज्यादा होगा कि वो 5 बार आएगा। अगर हम 1 तारीख को अगर सैटरडे है तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, तो 1 तारीख को पड़ेगा। अगर इसको अगर चेक करेंगे फ्रेंड, तो 1 तारीख को अगर पड़ा तो अगला जो सैटरडे होगा इसमें 7 डेज अगर ऐड करेंगे तो 8 तारीख को भी पड़ेगा। फिर अगर इसमें अगर हम लोग 7 डेज अगर ऐड करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे 15 तारीख को भी सैटरडे पड़ेगा। फिर अगर इसमें 7 डेज अगर ऐड करेंगे तो हम लोग 22 तारीख को भी सैटरडे पड़ेगा। फिर यदि अगर इसमें हम लोग 7 डेज अगर ऐड करेंगे तो 29 तारीख को भी सैटरडे पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आगे सैटरडे नहीं आएगा। तो कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कब, जब पहला दिन हम लोग का ये हो गया, यानी कि सैटरडे का चांस सबसे ज्यादा हुआ फ्रेंड्स, ये होगा आंसर। अब देखिए अगर हम मान ले कि अगर 1 तारीख को अगर हम लोग सैटरडे है तो 2 तारीख को हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो संडे होगा, तो संडे ऑप्शन में नहीं है। 3 तारीख को क्या हो जाएगा, तो हम लोग का मंडे है, तो मंडे भी ऑप्शन में नहीं है। और हम लोग का 4 तारीख को हो जाएगा ट्यूजडे, 4 तारीख को क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 4 तारीख को हम लोग को बताएगा ट्यूजडे, 4 तारीख को ट्यूजडे अगर होगा तो देखिए क्या ये 4 बार आएगा, क्या नहीं आएगा।
क्योंकि चार में अगर हम सात जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 सात 18 हो जाएगा, और 18 सात 25 हो जाएगा, और 25 सात 32 होता है फ्रेंड्स, 32 होता है, जो कि महीना 32 दिन का होता नहीं है। तो कहने मतलब एक दो तीन चार बार ही आएगा, चार बार ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में डिमांड क्या किया कि पांच बार आना चाहिए। तो पांच बार आना चाहिए मतलब सैटरडे का दिन को अगर हम लेकर के चलेंगे तो एक तारीख को हम लोग को पहला सैटरडे पढ़ रहा, फिर 8, 15, 22 और 29 को पढ़ रहा, इसलिए मेरा फाइनली आंसर कितना होगा, हम लोग का सैटरडे होगा जो महीने में पांच बार आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस के एंड तक देखे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।